कांग्रेसी महिला शहर अध्यक्ष ने आज पदभार ग्रहण किया तो वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ कांग्रेस महिला शहर अध्यक्ष साक्षी शुक्ला डागा का स्वागत किया। पदभार ग्रहण समारोह में विधायक संजय शुक्ला ने नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से अन्य कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने इंदौर महिला शहर अध्यक्ष के रूप में एक युवा चेहरे को महिला शहर अध्यक्ष बनाया है। साक्षी शुक्ला डागा पेशे से एडवोकेट हैं और कांग्रेस में काफ़ी समय से सक्रिय रही हैं, जिनकी सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने महिला शहर अध्यक्ष इंदौर के पद पर साक्षी शुक्ला डागा को नियुक्त किया है, जिसका आज कांग्रेस गांधी भवन में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो वहीं विधानसभा एक के विधायक संजय शुक्ला और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से अन्य पार्षद और कार्यकर्ताओं ने स्वागत समारोह में काफी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया है। ये मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं कांग्रेस संगठन को और कांग्रेस महिला संगठन को मजबूत करूं, सभी महिलाओं को मैं साथ लेकर चलूंगी। हमारा मुद्दा रहेगा हम महंगाई के खिलाफ और नशाखोरी, जुआ और जो नाइट पबिंग की सब चीज़ें चल रही हैं उनके लिए आंदोलन कर सके, उसके लिए महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सके। और हम बूथ लेवल पे, वार्ड लेवल पे, पन्ना लेवल पे, हम हर लेवल पे कांग्रेस के लिए काम करेंगे और कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधाराओं को पहुंचाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी आबादी में 50% महिलाएं हैं, तो महिलाओं की बहुत अहम भूमिका होती है और मैं उन सबको साथ लेकर चलूंगी और अपना संगठन मजबूत बनाऊंगी। देखिए, मेरी यही रहेगी कि मेरे साथ युवा जोश और वरिष्ठों का प्यार और आशीर्वाद सब जुड़ा रहे, हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। 2023 में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और कांग्रेस सरकार बनाकर रहेंगे।